एक साल, 2 साल, 3 साल कई बार इस जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चे, और आईआईटीज एनआईटीज में आने का उनका सपना होता है। और लास्ट में जब ये चॉइस फिलिंग का टाइम होता है 1 या 2 हफ्ते का, इसमें समहाउ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ डिप्रेस भी हो जाते हैं कि उन्होंने इतने साल की मेहनत करी एंड देन दे हैव लैंडेड इट टू दिस बिकॉज ऑफ लास्ट में उन्होंने कुछ चॉइसेस गलत भर दी थी। हेलो एंड वेलकम टू डिस्कस विद डायरेक्ट, आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की, और आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन फिल द चॉइसेस इन जोसा काउंसलिंग एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स हु हैज गॉट कन्फ्यूजन कि वो किस तरह से चॉइसेस फिल अप करें, चॉइसेस फिल करते हैं वो किस चीज़ को प्रायोरिटी दे, एक हायर आईआईटी में एक लोअर ब्रांच या फिर एक लोअर आईआईटी में एक हायर ब्रांच, किस चीज़ को प्रायोरिटी दे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल हु आर पार्टिसिपेटिंग दिस टाइम इन जोसा काउंसलिंग एंड ऑल्सो फॉर ऑल अदर एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई ओन सजेशन ऑफ हाउ यू शुड थिंक इन दिस सर्कमस्टेंस। सो या स्टे विद मी टिल द एंड टू गेट अ क्लियर पिक्चर एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। So before we begin this, let us clear the concept of higher IITs and lower IITs and lower branches and higher branches. So actually here we talk of older IITs and newer IITs. अब जो older IITs है वो already established है, उनकी already एक legacy है, उनकी alumni network बहुत बड़ा है. Like for example IIT Bombay, IIT Madras, IIT Delhi, even IIT Roorkee, IIT Kharagpur, IIT Kanpur. So these are older IITs and all the higher rankers, all the top rankers, they fill up the choices in order to get into these colleges, right? So that's why it's called higher IITs. Now for the lower IITs, these are newly built. They don't have such legacy of older IITs. They need some time to get established like older ones. Now if you see the trend, the middle rankers or the lower rankers, they start filling up these colleges, right? So that's why they are called lower IITs. Similarly, that case happens for the branch as well. The top rankers or the higher rankers, they start off with CSE, electrical, EC, mechanical and so on. And while the lower rankers, they start off with branches like biotech, polymer science, metallurgy. So we are not targeting in terms of ki ye higher IIT hai ya ye lower IIT hai ya fir ye higher branch hai ye lower branch hai. This is not the purpose and this should not be the purpose even. The basic thing is students' perception and the trend which is followed every year. So uske basis pe we have classified it higher IIT and lower IIT. Now starting off with all those who has got good rank, like supposedly under 1000, under 2000, they have good choices to think on. They can easily get into top 5 IITs. They have that clarity ki unko kya branches chahiye. Confusion happens in all the middle rankers and lower rankers. Cream choices होती हैं जो IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras, इन colleges की जो अच्छी branches होती हैं वो already fill up हो चुकी होती हैं, और फिर middle rankers और lower rankers के लिए कुछ choices बचती हैं top IITs में. Now ऐसी situation में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि उनको ब्रांच को प्रेफर करना है या आईआईटी को प्रेफर करना है, कौन से आईआईटी में जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, ये कन्फ्यूजन बहुत होती है. नाउ इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं एंड दिस सोल्यूशन इज डिफरेंट फॉर एवरी अदर पर्सन. नाउ किसी के लिए हायर आईआईटी में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी के लिए लोअर आईआईटी में जाना बेटर रहेगा, किसी के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर रहेगा. सो दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी अदर पर्सन, राइट? सो विच कैटेगरी यू फॉल इन उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको पता है कि उन्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी है. नाउ दिस माइट बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू बिकॉज आईआईटी की आप प्रिपरेशन करो, जेईई एडवांस के आप क्रैक करके आए हो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है. ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पहले से ही पता होता है कि उन्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी है. यू मस्ट हैव सीन मेनी एग्जांपल्स ऑफ आईआईटीएंस हु आर नॉट फॉलोइंग अप व्हाट दे डिड इन दैट इंजीनियरिंग. लाइक कोई आईआईटीएन हो जिसने सिविल इंजीनियरिंग करी हो या केमिकल इंजीनियरिंग करी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हो, उसका खुद का एक स्टार्टअप है विच हैज़ नथिंग टू डू विद मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल और एनीथिंग एल्स, ठीक है? या मे बी इज अ राइटर, मे बी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, मे बी इज अ थिएटर आर्टिस्ट, मे बी इज एन एंटरप्रेन्योर, मे बी इज एन इकोनॉमिस्ट, मे बी इज एन आईएएस. सो दे आर मेनी अदर फील्ड्स जिसमें आप जा सकते हो. सो नाउ फॉर स्टूडेंट्स हु हैज गॉट दिस क्लैरिटी कि उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, चाहे वो कोई सी भी इंजीनियरिंग हो, एंड ही हैज दैट थिंग फॉर श्योर. लाइक आई सेड, दिस इज सरप्राइजिंग, बट हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, भले ही बहुत फ्यू नंबर्स में हो, बट हर साल ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? तो इन लोगों के लिए द बेस्ट थिंग वुड बी टू गेट इनटू द बेस्ट आईआईटी. जो भी उनको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट आईआईटी मिल रहा है, दे शुड गो फॉर दैट, क्योंकि उनको पहले से क्लैरिटी है कि उनको ब्रांच से कोई मतलब नहीं है. उनकी ब्रांच कोई भी हो, दे हैव नथिंग टू डू विद दैट, बिकॉज उनको कुछ और ही करना है लाइफ में, और जो उनको लाइफ में करना है उसका उनकी ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता. गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल आईआईटी जो आपको मिल रहा है, क्योंकि वहाँ का एक्सपोजर, वहाँ का कल्चर, वहाँ के एनवायरमेंट में आप अपने आप को बहुत ग्रूम कर पाओगे और अपने आप को और बिल्डअप कर पाओगे अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर ब्रांचेस, मतलब जिनको पहले से क्लैरिटी है कि उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, उनका बचपन से वो थॉट है, या मे बी बड़े होकर उनको ये थॉट आया हो कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है, मुझे इस फील्ड में रिसर्च करनी है, इनोवेशन करनी है, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट में, मुझे इस चीज़ समझनी है, या मुझे ये चीज़ कूल लगती है, मुझे ये चीज़ ज़्यादा समझ आती है, दिस इज़ वेयर आई सी माई करियर. तो ऐसे बच्चे जो बहुत ब्रांच स्पेसिफिक है, जिनको पहले से क्लैरिटी है कि उन्हें इलेक्ट्रिकल ही करना है, चाहे कॉलेज कोई सा भी हो,
ऐसे लोगों के लिए आईआईटी शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ऐसे स्टूडेंट भी बहुत कम ही होते हैं नंबर्स में जो पहले से ही बहुत क्लियर हो कि उन्हें कौन सी ब्रांच करनी है और उसमें उनको क्या फ्यूचर में अचीव करना है। सो फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनको क्लैरिटी है कि उन्हें यही ब्रांच करनी है और इसी फील्ड में कुछ ना कुछ अचीव करना है आगे चल के, उन लोगों के लिए कॉलेज शुड नॉट बी अ कंसर्न, उनके लिए ब्रांच इज मोर ऑफ कंसर्न। नाउ जिस भी आईआईटी में उन्हें उनकी पर्टिकुलर ब्रांच या डिजायर्ड ब्रांच मिल रही है दे शुड गो फॉर दैट, एंड अगर आईआईटीज में ना मिल रही हो तो एनआईटीज में या ट्रिपल आईटीज में दे कैन कंसीडर इफ दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड कि उन्हें ब्रांच से ही मतलब है। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सीएस ही करनी होती है, तो उनको अगर टॉप आईआईटीज में सीएस नहीं मिल रही है तो दे कैन गो फॉर लोअर आईआईटीज और मिडिल आईआईटीज जहां पे उनको सीएस करने को मिले। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरीज, ऑल दोज हु आर कंफ्यूज बिटवीन कॉलेज एंड ब्रांच, राइट, एंड दिस इज मेजॉरिटी इन नंबर। हर साल ये नंबर बहुत ज़्यादा ही होता है जिनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि उनको हायर आईआईटीज में लोअर ब्रांच लेनी चाहिए या लोअर आईआईटीज में हायर ब्रांच लेनी चाहिए। और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, बिकॉज द वे वी आर ब्रॉट अप इन स्कूल्स एंड आर एजुकेशन इज लाइक दैट ओनली, कि हमको करियर के प्रोस्पेक्ट में इतनी क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती, सो देयर इज नो हार्म इन दैट। ऐसा नंबर हमेशा ज़्यादा होता है, बट आईआईटीज एंड आईआईटीज में आके आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होती है। जैसे आपको पता ही होगा कि काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज में आके जिनको क्लैरिटी आती है कि उन्हें ये इंजीनियरिंग करनी नहीं है, या फिर कुछ लोगों को क्लैरिटी आती है कि उन्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, वो मास्टर्स करते हैं पीएचडी करते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से। ऑन द अदर हैंड देयर आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो उसके बाद आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे या एमबीए कॉलेजेस में जाएंगे, मैनेजमेंट की फील्ड में जाएंगे, फाइनेंस में जाएंगे, स्टार्टअप में जाएंगे, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाएंगे, एंड देयर आर सम जो कल को आर्टिस्ट बनेंगे, थिएटर करेंगे, मूवीज करेंगे, एक्टिंग करेंगे, स्टैंड अप करेंगे, राइटिंग करेंगे। तो ये क्लैरिटी भी कॉलेज आके ही पता चलती है, राइट। नाउ ऐसे सिनेरियो पे द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू फाइंड द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से मतलब ये है कि एट दिस प्रेजेंट स्टेज यू डोंट हैव दैट कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड कि उन्हें तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में, एंड दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि कॉलेज में आके शायद तुम्हें वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी के लिए ट्राई टू गेट द बेस्ट ब्रांच पॉसिबल इन द बेस्ट आईआईटी, सो दैट कल को तुम्हारा अगर इंजीनियरिंग करते हुए इंटरेस्ट आ गया तो यू गो फॉर दैट। अदरवाइज अगर इंजीनियरिंग करते हुए इंटरेस्ट नहीं आया तो तुम्हारा आईआईटी इस तरह का होना चाहिए या तुम्हारा कॉलेज इस तरह का होना चाहिए कि तुम्हें उतना एक्सपोजर देख पाए कि अगर इंजीनियरिंग नहीं करनी तो उसके अलावा क्या करना है। तो तुम्हें उस तरह से चॉइस लेनी है कि तुम्हें ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए और एक अच्छे खासे आईआईटी में मिल जाए या अच्छे खासे एनआईटी में मिल जाए। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोजिंगली आपकी 5,000 या 6,000 के आसपास रैंक है और आपको उसमें आईआईटी बॉम्बे में एनवायरमेंटल मिल रही है, आईआईटी रुड़की में आपको सिविल या केमिकल मिल रही है, एंड आईआईटी जम्मू या आईआईटी पलक्कड़ या इन कॉलेजेस में आपको सीएस मिल रही है। नाउ फॉर यू द सिनेरियो इज लाइक दिस। अब जिस बच्चे को पहले से क्लियर है कि उसे ब्रांच से कोई मतलब नहीं है तो वो बच्चा आईआईटी बॉम्बे जाए, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड से कर रहा हो हार्डली मैटर्स क्योंकि उसे कल को कुछ और ही करना है, तो उसके लिए कॉलेज बहुत मैटर करता है, उसे आईआईटी बॉम्बे जाना चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट इज जो बहुत ब्रांच स्पेसिफिक है, ठीक है, जैसे सीएस करनी है चाहे उसे कहीं भी मिल रही हो, उसको बॉम्बे में सीएस नहीं मिल रही है, उसको रुड़की में सीएस नहीं मिल रही है, उसे गुवाहाटी में सीएस नहीं मिल रही है, उसे आईआईटी जम्मू या आईआईटी पलक्कड़ में सीएस मिल रही है। हालांकि ऑप्शन ओवरऑल पिक्चर में देखा जाए तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट जिस बच्चे को इतना डेडिकेशन है, इतना डिवोशन है इस चीज़ को लेके, उसको आईआईटी जम्मू में सीएस मिल रही है तो वो भी उसके लिए बुरी नहीं है, ही कैन मेक अ वेरी बिग करियर थ्रू दैट, तो उसके लिए दिस ऑप्शन वुड बी नाइस। नाउ टू द लास्ट कैटेगरी जो कन्फ्यूज है थोड़ी सी, हायर आईआईटी में लोअर ब्रांच और लोअर आईआईटी में हायर ब्रांच के बीच में, उनके लिए फायदेमंद रहा है कि एक डिसेंट ब्रांच ले लो एक अच्छे आईआईटी में, जो बीच वाला केस था आईआईटी रुड़की में सिविल या आईआईटी रुड़की में केमिकल, तो इससे वो एक अच्छे कॉलेज में होंगे जहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलेगा, प्लस उनकी जो ब्रांच होगी वो भी एक डिसेंट ब्रांच होगी जिसमें को काफी अच्छा पढ़ाया जाएगा। सो हो सकता है उनका अपनी ब्रांच में भी इंटरेस्ट बन जाए और वो कल को उसमें ही कुछ अचीव करें, एंड एट द सेम टाइम वो एक अच्छे आईआईटी में जहां पे एक बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो उससे भी उनको इस तरह का एनवायरनमेंट मिल सकता है कि उन्हें अपनी ब्रांच के अलावा किस चीज में अपना करियर बनाना है, राइट। सो दैट इज माई सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, वी हैव समड इट अप विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो, एंड आई होप कि इससे थोड़ा क्लैरिटी आई होगी, एंड इवन इसके बाद भी अगर देयर इज अ डाउट तो फेसबुक में यू विल फाइंड जेई काउंसलिंग फोरम जहाँ पे सारे आईआईटीज के स्टूडेंट्स ही होते हैं आप लोगों को मेंटर करने के लिए। यू कैन ज्वाइन इन दैट ग्रुप, यू कैन ऑल्सो पुट अप योर क्वेरी देयर कि आपकी रैंक कितनी आई है, आपको ये ब्रांचेस मिल रही है, आपको कन्फ्यूजन है इन दो चीज़ों में या इन तीन चीज़ों में, जो आपको वहाँ पे मेंटरशिप देंगे, आपको एक सजेशन देंगे उस टाइम पे, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। सो अल्टीमेटली द चॉइस शुड बी योर्स, क्योंकि एक साल, दो साल, तीन साल कई बार इस जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चे, और IITs, NITs में आने का उनका सपना होता है, और लास्ट में जब ये चॉइस फिलिंग का टाइम होता है एक या दो हफ्ते का, इसमें समहाउ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ डिप्रेस भी हो जाते हैं कि उन्होंने इतने साल की मेहनत करी एंड देन दे हैव लैंडेड इट टू दिस बिकॉज ऑफ लास्ट में उन्होंने कुछ चॉइसेस गलत भर दी थी। सो या अच्छे लोगों से कंसल्ट करो, IITians एंड NITians से कंसल्ट करो जो ऑलरेडी उस कॉलेजेस में है, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, कोई आपको मना नहीं करेगा। सो या टेक योर टाइम, थिंक ऑफ इट कि तुम कॉलेज स्पेसिफिक हो या ब्रांच स्पेसिफिक हो या अभी भी तुम कंफ्यूजन में हो, तो उस हिसाब से अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करो। या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, I hope you make a best possible choice for yourself. So yeah, that's it for today. In order to promote it more, do like, share, subscribe, comment, because that's how you will engage more with this video and that's how YouTube algorithm will work. The more you engage, the more YouTube will promote this video. So yeah, that's it for now. You can connect with me personally on Instagram. I'll see you in upcoming videos. Till then, take care. Goodbye.